हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कहलाती है और कैसे काम करती है? नॉन वन फैब्रिक है ये, हाँ, इसको यूवी प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, और ये करने से आपका जो आपकी जो भी फसल है, हाँ, जो भी आपके प्लांट है, हाँ, वो प्लांट को जो प्रोटेक्शन चाहिए पेस्टिसाइड वगैरह से जो बचाता है, हाँ, इसके लिए ये कवरिंग करना जरूरी है। तो इसे कवर करने से फायदा कैसे होगा, मतलब प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा इसका? प्रोडक्शन ऐसे बढ़ेगा कि एक तो इसमें दवाई कम लगेगी, प्रोडक्शन ऐसे बढ़ेगा कि इसको जो टेम्परेचर जितना चाहिए अंदर उतना टेम्परेचर ये मेंटेन करता है कपड़ा। मतलब ज़्यादा अगर बाहर हीट होगी तो अंदर टेम्परेचर कम रहेगा, अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो अंदर वो टेम्परेचर बढ़ेगा, 5 डिग्री टेम्परेचर प्लस माइनस रहता है। गर्मी में अंदर कम रहेगा, ठंडी में अंदर ज़्यादा रहेगा, 5 डिग्री वैसा है। अच्छा, बरसात में अब आजकल देखा गया बरसात बहुत हो रही है सर्दी के समय, और आलू सर्दियों में ही होता है, तो बरसात में आलू बहुत खराब हो जाता है, तो ये बरसात में कैसे बचाएगा इसको? बरसात में उसको साइड से पैक किया हुआ है तो इसके अंदर बारिश का पानी नहीं जाएगा। ओके, और बारिश में ज्यादातर आलू के जो खेत रहते हैं उसको मतलब पैक नहीं होते वो, हाँ, मतलब उसको पानी के बाहर जाने के, अगर ज्यादा बारिश हुई तो उसको पानी के जाने के सोर्सेज रहते हैं, हाँ, तो फिर अंदर पानी भरेगा नहीं, और जो पानी अंदर गया उसके ऊपर गिरा वो साइड में चला जाता है, वो उसके अंदर जाएगा नहीं। इसमें जो बीज लगाते हैं ये कवर कब लगाएंगे? बीज लगाते ही कवर लगा देंगे या? हाँ, प्लांटेशन जब होता है, हाँ, उसके बाद तुरंत। लेकिन पानी तो बीज लगाने के बाद भी देना होता है बार बार। हाँ, तो पानी तो उससे ड्रिप से मिलता है। अच्छा, ड्रिप से मिलता है, हुआ है ना? कौन सी वाली, ये काली वाली ड्रिप? ये वहाँ काली वाली है ना, इसमें भी लगाया हुआ है ना ये ड्रिप। अच्छा, पानी जाता है, ये ड्रिप से पानी जाता है। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसे? यूवी प्रोटेक्शन के लिए है, उसको क्रॉप कवर बोलते हैं। क्रॉप कवर बोलते हैं। इसका खर्चा कितना आता है? वो आपका 1 एकड़ का 10 से 15 हज़ार। 1 एकड़ का 10 से 15 हज़ार रुपये का। तो ये जो पॉलिथीन लगी है ये हर साल खरीदनी पड़ती है कि एक बार यूज करने के बाद बेकार हो जाती है? नहीं, ये इसका जो आयु जो है इसकी, हाँ, वो कम से कम 12 से 14 महीना है। ओके, लेकिन अगर ज्यादा धूप है, हाँ, तो इसको आप 2 सीजन तक यूज कर सकते हैं। ज्यादा धूप है तो धूप है, मतलब अगर ऐसा, इसमें क्या होता है सर कि ये कपड़ा जो है संभाल के, अगर जब एक सीजन आपने ले ली, हाँ, अगर संभाल के निकालते हैं तो आप दूसरे सीजन यूज कर सकते हैं। तो सीजन तक चलता है ये। तो ये पॉलिथीन किस चीज की बनी होती है? वो ये पॉलीप्रोपिलीन में से बना हुआ नॉन वूवन फैब्रिक है, हाँ, लेकिन यूवी स्टेबल है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी देनी होती है, लेनी होती है? नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अलग है, बनाने की जो ट्रीटमेंट है, हाँ, नॉर्मल जो नॉन वन बनता है इससे थोड़ा इसका डिफरेंट टाइप का प्रोडक्शन जो है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा अलग है। तो ये जो पॉलिथीन लगाएंगे तो ये आपके लोग आके लगा के चले जाते हैं या फिर एक बार हमें कपड़ा देते हैं लगाना आपको है, फार्मर को? तो पता कैसे चलेगा हमें, कैसे लगेगा, क्या गलती होती है, क्या ध्यान रखना होता है? कुछ भी नहीं है, ये सब हम फोटो दिखाते हैं, वो फार्मर को ये सब, फार्मर ये सब करते ही है, फार्मर को ये सब आइडिया रहता है। तो ये जो पाइप आप बता रहे हैं नली, ये क्या मोटर से चलती है? हाँ, इससे पूरा ये ऐसे ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है ना। अच्छा, ये मोटर, तो ये कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है जो 10 से 15 हज़ार रुपये आप बता रहे हैं? वो जो है, हाँ, ये जो है वो अलग है पूरा, ये अलग कंपनी का है, नेटा फीम का है, हाँ, और वो तो फार्मर को उसका खर्चा जो है वो अलग से है पूरा। वो खर्चा डिफरेंट एरिया है, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट है।